सब माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है। ए चल चल, माँ की जय बॉस। मतलब माँ का प्यार तो रहेगा, लेकिन उसके लिए माँ भी तो होना मांगता है। बॉस अपुन जो क्या लगता है, माँ वहाँ कुछ नहीं है। उसका मर्डर ना वो क्या नाम है उसका, वो अनुराधा पाटिल ने किया। नो सर, ये एक सुपरनैचुरल केस है। ए सुपरनैचुरल नहीं, अननैचुरल केस है बॉस। कल्पना और वास्तविकता के बीच ये क्या है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना मेरे लिए भी कठिन हो रहा है। पर मेरे पास आंसर है। यस, पर आप कौन है? नमस्ते मिस्टर पाठक, मैं भारत फागुन, क्वालिफाइड पैरानॉर्मल रिसर्चर। स्पिरिट्स, आत्माएं, इनके बारे में काफी केसेस की स्टडीज की है मैंने, और एक्सपेरिमेंट्स भी। इस केस को भी बहुत करीब से फॉलो कर रहा हूं। अच्छा। मिस्टर पाठक, अनुराधा सही कह रही है, प्यार और नफरत इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं कि मौत के बाद भी इंसान को जिंदा रखते हैं। अनुराधा की मां की स्पिरिट ने ही उसके फादर को मारा है, और मैं ये अदालत के सामने प्रूव कर सकता हूं। उस स्पिरिट को बुलाकर उसके मुंह से उगलवा सकता हूं कि वो ही कातिल है। फिर अनुराधा भी बरी और आपकी जीत भी पक्की। जी, आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं भगवत जी, किंतु केस को हारना या जीतना नहीं, सत्य तक पहुंचना ही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। मैं भी सत्य की ही बात कर रहा हूं मिस्टर पाठक, पैरानॉर्मल स्पिरिट सच में होती है। आप कहे तो आपके ऑफिस में घूमती हुई स्पिरिट। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बुला लेंगे आपको। बहुत जल्दी बुलाएंगे, मुझे यकीन है आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। प्लीज कीप दिस कार्ड सर। जी जी, थैंक यू। मिस्टर भागवत। यस सर, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, पाठक सर ने भेजा है? नहीं, पाठक सर को मालूम नहीं कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। पर क्या आप सच में साबित कर सकते हैं कि अनुराधा की माँ की आत्मा ने ही ये मर्डर किया है? देखिए मैडम, जिंदा इंसान से सच उगलवाना आसान नहीं होता। ये तो फिर भी एक आत्मा है। डोंट वरी, जिस तरह कातिल को हम सबूतों से पकड़ते हैं, ठीक उसी तरह इस कातिल के लिए भी हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। कैसे? बस आप मुझे वो मर्डर साइट पे ले जाओ। क्या है? सोनर सेंसर। बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस कमरे में। आई थिंक वो यही कहीं। मैंने महसूस किया उसे बहुत गुस्से में है। कहती है कि सुरेश का खून उसी ने किया अपनी मौत का बदला लेने। अगर अनुराधा या आंचल को कुछ हुआ तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी वो। अनुराधा को बचाना होगा, नहीं तो बहुत खून खराबा हो सकता है यार।
देखो अनुराधा, ये प्रमाणित हो चुका है कि तुम्हारी माता जी अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हें कैसे दिखाई देती है? मुझे दिखती है वो हर जगह, हर दिन। वो अभी भी यही है। सही कह रही है वो। प्लीज सर, इन्हें मैं लेकर आई हूँ। क्यों लाई हूँ इन्हें? आपको नहीं पता कि हम सबके सर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। पधारी। प्लीज मिस्टर भागवत, आप अपना काम कीजिए। बेटा, मैं जानता हूँ कत्ल तुमने नहीं किया, तुम्हारी माँ ने किया है, जो उस वक्त उस घर में थी, जो अभी यहाँ है। कहाँ है वो बेटा, बताओ कहाँ है वो? उस कोने में Yes, I can sense her energy. Oh my God. बेटा एक काम करो, तुम्हारी माँ तुम्हारा कहाँ कभी नहीं डालेगी। उससे कहो वो तुम्हारे शरीर में या मेरे शरीर में आए, मिस्टर पाठक को ये बयां करे कि खून किसने किया है। क्या ये कर सकती है वो? भागवत साहब प्लीज। प्लीज मिस्टर पाठक, बस एक सेकंड। बेटा जल्दी बुलाओ अपनी माँ को, उसे कहो डरे नहीं, हम सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं यहाँ। आरती जी प्लीज मिस्टर पाठक को बताइए कि सुरेश का खून किसने किया। मैंने मारा सुरेश। तुम सब मेरी बच्ची को क्यों कैद करके रखे हो? मैं सबको मार दूंगी, सबको, सबसे पहले तुझे मार। बेटा क्या हुआ? बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, ये टेडी, ये डॉल और ये चॉकलेट्स, तुम्हारी फेवरेट है ना, सब मेरी प्यारी आंचल के लिए। लो लो रटिए और वापस ले जाइए अपनी ये रिश्वत। ये अब क्या कह रहे हैं? आंचल मेरी बेटी जैसी है। खबरदार जो इसे अपनी बच्ची का, मैं आपके सारे पैतरे समझ रहा हूँ। आंचल को फुसलाकर आप इसे गोद लेना चाहती हैं ताकि इसके नाम की सारी जायदाद आपको मिल जाए। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसी इरादे की वजह से यहाँ आए हैं ना? मुझे पूरा यकीन है कि इसी लालच में आपने सुरेश पाटिल का खून किया है। बुला रही है। मैं फिर से कह रही हूं, मेरी मम्मा ने मेरे सौतेले बाप को मारा है। अनुराधा, तुम्हारी माँ को मरे हुए 4 साल हो चुके हैं और अब तो ये बात साबित भी हो चुकी है। ये तुम्हारा भ्रम है। योर ऑनर, इसके पहले कि मैं अपनी अगली दलील पेश करूं,
मैं अदालत को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। मैंने नहीं मारा उस बुढ़िया मिसेस डिसूजा को, मेरे बाप ने मरवाया। पर तुम्हारे फादर तो 2 साल पहले मर चुके हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे पास आया करते थे। उनकी स्पिरिट मुझसे मेरे कानों में आकर कहती थी कि उन्हें बदला चाहिए। मिसेस डिसूजा की वजह से मेरा बाप मारा गया, इसलिए मेरे बाप ने मेरी बॉडी में घुसकर डिसूजा को मार डाला। ऑर्डर ऑर्डर। ये केस 1993 में गोवा में सामने आया था। मुलजिम अमित मलिक, जिसका इंटरव्यू आप देख रहे थे, उसके हाथों एक खून हुआ। उसका कहना था कि उसके पिता की स्पिरिट उसमें आती है और उससे ये काम करवाती है, लेकिन ये गलत साबित हुआ। ये साबित हुआ कि अमित मलिक एक एक्सट्रीम साइकिक बीमारी सिज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त थे और उसे ये लगता था कि ये स्पिरिट उसमें आती है और उसे ये खून करवाई। सुरेश पाटिल केस भी कुछ ऐसा ही है। अनुराधा भी किसी साइकिक बीमारी। योर ऑनर, वोरा साहब ने ये जो वीडियो पे हमें दिखाया, ये केस इस केस से भिन्न है। अनुराधा ने कभी ये नहीं कहा कि इनकी माताजी ने इनके शरीर के अंदर प्रवेश करके इनके माध्यम से इनके पिता की हत्या की। पहले से अनुराधा केवल यही कहती आई है कि इनकी माताजी ने इनके पिता की हत्या की है। मैं सही कह रहा हूं? हाँ। तुमने ये भी कहा था अनुराधा कि हर जगह तुम्हें अपनी माताजी दिखाई देती है, क्या इस समय भी तुम्हें अपनी माताजी दिखाई दे रही है? योर ऑनर, ये क्या बेतुका सवाल है? बीच में मत टोकिए वोरा साहब। बताओ अनुराधा, क्या इस घड़ी क्षण तुम्हारी माताजी यहां इस अदालत में है? कहां है? उस इंस्पेक्टर के पीछे। तुम्हारे कहने पर तुम्हारी माताजी यहाँ तुम्हारे साथ इस कटघरे में आ सकती है? पर आप लोग उन्हें नहीं देख सकते। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो यहाँ आ सकती है, जैसे कि तुमने वहाँ कारागार में किया था लॉकअप में? अपने माताजी को तुम अपने अंदर बुला सकती हो ताकि एक ही बार तुम्हारी माताजी तुम्हारे माध्यम से अदालत को ये कह दे कि तुम्हारे पिताजी की हत्या उन्होंने ही की है और तुम निर्दोष। क्या तुम ऐसा कर सकती हो, अपनी माताजी को अपने अंदर बुला सकती हो एक बार फिर? अनुराधा। योर ऑनर, ये क्या नॉनसेंसिकल ड्रामा हो रहा है कोर्ट रूम में? अदालत और कानून भूत प्रेतों में नहीं मानती। अरे धीरज रखिए वोरा साहब, बहुत शीघ्र बहुत लोग बहुत कुछ मानने लगेंगे। तो अनुराधा, देखो जिस तरह से तुमने वहां लॉकअप में अपनी माताजी को बुलाया था, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से तुम अपने अंदर अपनी माताजी को बुलाओ। ये अंतिम अवसर है तुम्हारे लिए अनुराधा, केवल वो ही तुम्हें निर्दोष साबित कर सकती है। बुलाओ अपनी माताजी को अपने अंदर। मैंने मारा।
मेरी बच्ची को, मैं जाती एक एक को मार डालूंगी, एक एक को मार दो। कुछ नहीं कर सकती तुम सिवाय एक्टिंग, ये भूत का नाटक कर रही हो अपने आप को बचाने के लिए। I'm sorry sir, आपको लगा तो नहीं? हाँ लग गया, तीर निशाना। शाबाश मिस्टर पाठक, क्या तरकीब लगाई है आपने अनुराधा के भूत को बाहर निकालने की। अब तो सब कुछ साफ हो गया, योर ऑनर, अनुराधा की पोल तो खुल चुकी है। दिल तो मेरा अब भी नहीं मानता कि ये मासूम बच्ची कातिल हो सकती है, लेकिन दिमाग दिमाग ये कहता है कि इसने अपनी माँ की स्पिरिट का बहाना बना के, झूठी कहानी बना के हम सबको गुमराह किया अपने आप को बचाने के लिए। अब सबको साफ है, अनुराधा ने ही अपने पिता का कत्ल किया। अनुराधा पाटिल, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करती हो? अनुराधा बताओ, वास्तविकता क्या है? सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारे पिता की हत्या का रहस्य क्या है? कौन है हत्यारा? इसकी खामोशी ही सच बयां कर रही है माय लॉर्ड। ये साफ है कि इसी ने अपने पिता को मारा। नहीं मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मैंने। तो फिर सच बताओ, क्या हुआ था? किसने मारा तुम्हारे पिता को? बताओ अनुराधा, कौन है तुम्हारे पिता का हत्यारा? किसने की है उनकी हत्या? बोलो अनुराधा। अनुराधा ये तुम क्या कह रही हो? छोटी सी बच्ची हत्या कैसे कर सकती है? आजन, ये तुमने क्या किया? मैंने नहीं, मम्मा ने किया। आजन सिर्फ 4 साल की थी जब हम हमेशा के लिए मम्मा से बिछड़ गए थे। ये बात मैं समझती थी, पर आजन को समझाना मुश्किल था कि मम्मा इस दुनिया में नहीं है। वो जब भी जिद करती कि मुझे उनसे मिलना है। मुझे मम्मा के पास चलना। मम्मा हमारे साथ है। कहाँ दीदी, कहाँ? वो हमारे साथ लुका छुपी खेल रही है। वो देखो वहाँ बैठी है। मम्मा। उसके बाद से तो खुद से झाड़ियों की तरफ, पेड़ों की तरफ, दीवारों की तरफ देख देख कर घंटों बातें किया करती थी। उसे लगता था मम्मा है, पर मैं जानती थी कि मम्मा इस दुनिया में नहीं। मैं आंचल का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए चुप रही और उसे इस गलत फहमी से बना होने दिया। अनुराधा, अगर वाकई तुमने ये कत्ल नहीं किया तो तुम्हारे उंगलियों के निशान उस पेपर वेट पे कैसे आए? दरअसल आंचल को बचाने के लिए वो पेपर वेट मैंने अपने हाथ में ले लिया था और उस पे मेरी उंगलियों के निशान आ गए। मैं सब सजा काटने के लिए तैयार थी सर, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर पुलिस मुझे ले गई, मुझे सजा हो गई, तो मेरी बहन का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने सारा दोष उसके काल्पनिक मम्मा पे डाल दिया और उसे भी समझा दिया कि अगर कोई भी पूछे तो कहना पापा को मम्मा ने मारा है, ताकि मैं और आंचल बच जाए। उसके बाद से मैं भी सबसे झूठ कहते रही कि पापा को मम्मा ने मारा, बल्कि सच कुछ और था। अनुराधा, ये जो भागवत साहब बार बार कह रहे थे कि वो तुम्हारी माता जी को देख पाते हैं, उनके वो झूठ कह रहे हैं।
कोई मम्मा वहां नहीं थी। मैं उनके झूठ में हामी भरते गई, अपने अंदर मम्मा की स्पिरिट की एक्टिंग करते गई ताकि सबको लग जाए, सबको यकीन हो जाए कि मम्मा है। मुझे लॉकअप में ही संदेह हो गया था कि ऐसा ही कुछ होगा। क्षमा चाहता हूं, तुम्हारे अंदर का सच निकलवाने के लिए मैंने यह नाटक किया। सर प्लीज सर, मेरी बहन को कुछ मत करना सर, प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उसे मुझे बचाने के लिए पापा के ऊपर पेपर वेट फेंका सर, सर मुझे सजा होगा चलेगा, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत करना सर। योर ऑनर, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। इस केस में भी योर ऑनर, जो दिख रहा है वो बॉस, ये दोनों बहनें ना शहर से अच्छा जंगल में, इधर शहर में आई और लफड़ा हो गया। अब उनको लगता है आज की डेट में ना ये जंगल शहर से ज्यादा सेफ है। बॉस सर, आंचल ने जो किया उसे तो हम मर्डर नहीं बोल सकते, उसने तो सेल्फ डिफेंस में। जानता हूँ मैं हर प्रयास करूंगा अदालत में उसे बचाने का, उसकी ओर से एक क्षमा याचिका ला लूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत उसे क्षमा कर देगी, चाहे जो भी हो इसका कलंक तो उसके सर पे रहेगा और इसी के साथ उसे जीवन भर घुट घुट कर जीना होगा। बहुत ही साला समाज भी ना उसके पीछे पड़ेगा, सोसाइटी बोले तो सोसाइटी। पर एक दुविधा मेरे मन में अभी भी है। क्या बॉस? मैं ये सोच रहा था कि क्या आंचल में इतनी शक्ति है कि वो एक ही वार में अपने पिताजी सुरेश पाटिल की हत्या कर दे। बोले तो बॉस अपन कंफ्यूज हो गए ना, मतलब आपको लगता है कि कोई और है? मुझे केवल इतना पता है कि हर सत्य के पीछे एक सत्य छिपा होता है। कल सुनवाई तक का समय है हमारे पास, तुम दोनों जाओ घटनास्थल पर, एक बार फिर से जाके मुआयना करो, हो सकता है कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे कोई और सत्य सामने आए। जाओ। जी बॉस। नमस्कार मिस्टर पाठक। डैडी, I told him कि मैं तुमको इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन ये सीधा अंदर आ गए। आइए आइए भगवत साहब, बैठिए। देखिए, आप अनुराधा की बात पर भरोसा मत कीजिए, जरूर किसी के दबाव में आकर उसने अपना बयान बदला है, खून उसकी माँ ने ही किया है। मिस्टर भागवत, मिस्टर पाठक, मैं अभी आपके सामने प्रूव कर सकता हूँ, सुपरनैचुरल इस दुनिया का हिस्सा है। देखिए मिस्टर भागवत, कृपया आप यहाँ से प्रस्थान करें, इसमें हम दोनों की भलाई है। पछताओगे, मेरी बात ना मानकर पछताओगे। किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी वो, सबको मार देगी। तो जैसा अनुराधा ने अपन लोगों को बोला, ये सुना है, सुनना, अपन बोल रहे थे, ध्यान देना अपन की बात पे। जैसा अनुराधा ने बोला, उसने अपने बाप को इसी दरवाजे से आते हुए देखा था। जब वो बाप आ रहा था, अनुराधा पास में गया, अनुराधा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, उधर से बाप ने धक्का मारा दरवाजे पे और बाप अंदर आ गया जबरदस्ती, और बाप कुछ इधर ही रहेगा, इधर, समझे ना? और बोल रहे ना, और तू अनुराधा, तू इधर ध्यान दे, हाँ तू अनुराधा, बाप इधर, बाप ने ऐसा सॉलिड एकदम हीरो माफी पिस्टल निकाला और ऐसा हाई हाई। आंचल पीछे से आई होगी और उसने पास से पेपर वेट उठाया होगा और सीधे अपने फादर के सर पर। ए, क्या मारती है, ए, पवार से इसको अंदर बंद करो जेल में। श्रमन यहीं पर खड़े रहना। उन्हें तो रिची, आप उनके साथ जाएगा घूमने जाने का क्या आपको? नहीं तो काम पे आने का काम कर लेगा। केडी सर को फोन लगा। योर ऑनर, मैं जानता हूँ थोड़ी देर में आप अपना फैसला सुनाने वाले हैं और यहाँ सब जानते हैं कि वर्डिक्ट क्या होगा। योर ऑनर, शायद ये मेरी जिंदगी का पहला केस है जिसे जीतने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर इस
मासूम सी बच्ची आंचल का जुर्म माफ। योर ऑनर। अब क्या आंचल ने की नहीं? हत्यारा कोई और ही है। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन मिस्टर पाठक, आपने खुद अपने मुवक्किल अनुराधा पाटिल का झूठ या भूत जो भी कह लीजिए उसका पर्दाफाश किया। अनुराधा ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि उसने अपनी छोटी बहन आंचल को ये खून करते हुए अपने आंखों से देखा। उस कमरे में अनुराधा और आंचल के सिवाय कोई था ही नहीं, फिर ये कातिल कोई और कैसे हो सकता है? नहीं, कमरे में नहीं था गोरा साहब, सही कह रहे हैं आप, कमरे के बाहर था। योर ऑनर, केस की पहली सुनवाई में मैंने दलील रखी थी कि जहाँ जिस स्थान पर मिस्टर पाटिल खड़े थे जब उनकी हत्या हुई, उनके ठीक पीछे एक खिड़की है जहाँ से उन पर वार किया गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। पर खिड़की तो बंद थी मिस्टर पाटिल, और जाहिर है कि अगर खिड़की के पीछे से वार हुआ तो शीशा तो जरूर टूटा होगा। ये शीशे टूटे थे और फिर नए लगाए गए। ये देखिए, योर ऑनर, जैसा कि दिख रहा है खिड़की का एक शीशा बिल्कुल नया है और दूसरा शीशा पुराना। केवल इतना ही, जिस तरह का कांच लगाया गया है वो अलग प्रकार का भी है योर ऑनर। तो स्पष्ट है योर ऑनर कि टूटे हुए कांच को बदल कर वहां नया कांच लगाया गया था। मतलब कि उस खिड़की के कांच को हाल ही में बदला गया था। योर ऑनर, अगर वार खिड़की के पीछे से किया होता तो पेपर वेट फेंकने पर शीशे टूटने की आवाज आती और पुलिस को उस जगह से टूटे हुए कांच के टुकड़े भी मिलते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तो हमें वही बता सकती हैं जो वहाँ खिड़की के बाहर उपस्थित थी। मिसेस कावेरी पाटिल, योर ऑनर, सुरेश पाटिल की दूसरी पत्नी। तो कावेरी जी, आप ही ने खिड़की के बाहर से पेपर वेट फेंका था? नहीं, मैंने कोई पेपर वेट नहीं फेंका। तो आप वहाँ खिड़की के बाहर क्या कर रही थी? किस वक्त? मैं कहीं नहीं थी। आप चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, सिक्योरिटी गार्ड से या किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझे। ये देखिए, ये जो मोबाइल फोन वहां से पुलिस ने बरामद किया, खिड़की के बाहर जो झाड़ियां है उसमें ये मोबाइल फोन पड़ा था, इसको पहचानती होंगी आप ही का है? जी, मेरा फोन खो गया था। आपका फोन है उन झाड़ियों में था, इसका मतलब आप भी वहां झाड़ियों में छिपी थी और वहीं से आपने अपने पति पर वार किया जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। नहीं, मैंने नहीं मारा अपने पति को। इसका मतलब आप झाड़ियों में थी। क्यों, क्या कर रही थी आप झाड़ियों में? जी वो, मैं उनका पीछा कर रही थी। पीछा कर रही थी आप अपने पति का, क्यों? क्योंकि जब सुरेश घर से निकले तब वो काफी गुस्से में थे। जब मैंने अलमारी को चेक किया उसके अंदर से गन गायब थी, तभी मैं समझ गई कि सुरेश किसी बहुत ही बुरे इरादे से बाहर निकले हैं। तभी मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते मैं काउंसलर सरिता के घर पहुंच गई। जैसे ही मैं आगे बढ़ी मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड बैठा, इसीलिए मैं पीछे के रास्ते से गई और वहीं झाड़ियों के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। क्योंकि खिड़की का एक कांच टूटा हुआ था, मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रही थी, मैं सब कुछ साफ साफ सुन भी पा रही थी। पर अचानक मुझे अपनी दाएं तरफ से किसी के आने की आहट सुनाई थी। मैं यकायक वहां से भाग गई और उसी दौरान मेरा फोन वहां गिर गया। व्यक्ति की आहट आपने सुनी, उसे देखा भी होगा? जी नहीं, मैं तब तक वहां से जा चुकी थी। योर ऑनर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है इन्होंने कि उस खिड़की का एक हिस्सा कांच पहले से टूटा हुआ था, जिससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि वहीं से वो पेपरवेट पाटिल साहब के सर पर मारा गया। इसी कारण योर ऑनर, ना आवाज हुई ना वहां नीचे टूटे हुए कांच के टुकड़े। इसी विषय में आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं सरिता जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। सरिता जी, आपके कमरे की खिड़की का कांच टूटा हुआ था, आपको इस बात की जानकारी तो रही हो? वो मेरा कमरा नहीं, सालों से बंद एक गेस्ट रूम है। और योना, वो शीशा अभी नहीं बल्कि 2 महीने पहले बगल में कोई लड़के क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल के लगने से टूट गया था और अगले ही दिन मैंने नया कांच लगवा दिया था। अच्छा, लेकिन कावेरी जी ने तो अभी अभी कहा कि उन्होंने देखा था कि उस दिन वो कांच टूटा हुआ था, तो क्या वो झूठ कह रही है मिस्टर पाठक, या फिर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी?
आप खुद ही सोचिए, अगर शीशा पहले से ही टूटा होता तो जब पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी तो उनकी नजर उस पर जरूर पड़ती, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। योर ऑनर, जिस किसी ने भी सुरेश पाटिल को मारा है वो उस कमरे में ही मौजूद था। योर ऑनर, और उस वक्त उस कमरे में मौजूद सिर्फ दो बच्चियां। एक और शख्स था योर ऑनर, लड़कियों का कंस मामा सूरज पंचाल। मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने सुरेश पाटिल को मारा है ताकि अपनी बहन की सारी दौलत ये अकेले ही हजम कर सके। नहीं जज साहब, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अरे मेरी बहन, जिसकी दौलत के चलते उसके पति ने उसे मार डाला, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी भांजियों का हक है। अगर मैंने सुरेश का खून किया होता तो ये दोनों बच्चियां तो वहां मौजूद थी, ये तो झूठ नहीं बोलेगी। झूठ तो बोल रही है मिस सरिता गुप्ता, जिसके खुद के बच्चे नहीं है और मेरी भांजियों को गोद लेकर उनके हिस्से की भी दौलत हड़प लेना चाहती है। मैं तो कहता हूँ इसी ने खून किया है सुरेश का। आर्डर, आर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। योर ऑनर, जब मैं कमरे में थी ही नहीं तो मैं सुरेश पाटिल को कैसे मार सकती हूँ? मैं उस वक्त अपने पड़ोसी के घर पर थी, और अगर मैं घर पर भी होती तो जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं हूँ उसका खून क्यों करूँगी? योर ऑनर, ये बिल्कुल सही कह रही। मिसेस गुप्ता की सुरेश पाटिल के साथ क्या दुश्मनी? ये एक अजनबी का मर्डर क्यों करेगी? आपकी दलील बिल्कुल बेबुनियाद है मिस्टर पाठक। अब बुनियाद वाली दलील सुनिए बोरा साहब। योर ऑनर, वहां उस समय एक और व्यक्ति उपस्थित थे, मिस्टर पाटिल के भूतपूर्व बिजनेस पार्टनर मिस्टर नवल संधू। जज साहब, कुछ समय इंतजार करने के बाद मैं वहां से चला गया था। आप कांस्टेबल से पूछ सकते हैं, जब सुरेश अंदर गया तो मुझे लगा कुछ लफड़ा होने वाला है क्योंकि उसके पास गन थी, वही देखकर मैं वहां से खिसक लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे भी योर ऑनर, जिस पेपरवेट से मिस्टर सुरेश पाटिल का कत्ल हुआ वो उसी कमरे में रखा हुआ था जहां बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता। खून आंचल नहीं किया है। मेरी आपसे दरखास्त है कि इनकी बेबुनियाद दलीलों को नजरअंदाज करते हुए आप जल्दी फैसला सुनाएं। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर वोहरा से पूरी तरह सहमत हूं। मिस्टर पाठक, आपने अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया है जिससे यह साबित होता हो कि कत्ल खिड़की के बाहर से किया गया, और कमरे में क्या हुआ इसके बारे में हम अनुराधा से जान चुके हैं, लिहाजा मैं इस केस का फैसला इसी आधार पर दे रहा हूँ। नहीं सर, सब प्लीज सर, मेरी बहन को छोड़ दीजिए सर, सब प्लीज सर, सब माफ कर दीजिए उसे। सारे पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आंचल पाटिल ने इस बच्चे की हालत देखते हुए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आप कुछ अल्पविराम के बाद अपना फैसला सुनाएं। ये अदालत 15 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। मत रो आंचल, मत रो। दी, मम्मा सब ठीक कर देगी। नहीं आंचल, मम्मा नहीं है। है दी, मम्मा है। मैंने आपसे अब तक जो भी कहा सब झूठ था। 10 साल से स्पिरिट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं पर आज तक उन्हें देख नहीं पाया। इंसान के मरने के साथ ही उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ये रूह, आत्मा सब वहम है, आपको गुमराह करने की कोशिश की, इसलिए
यस आई एम सॉरी। किसी विलंब के इस केस का फैसला सुनाने जा रहा हूँ। योर ऑनर मैं क्षमा चाहता हूँ, बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर लें तो। ये क्या मजाक है योर ऑनर? मिस्टर पाठक क्या कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? शुभ मुहूर्त का नहीं, शुभ घड़ी का बोरा साहब, संभवतः जो भी आने वाली। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर मेरे सहायक का फोन है, उसे मैंने एक अत्यंत आवश्यक काम से भेजा था, आपकी अनुमति हो तो मैं कॉल ले लूं। अनुमति है। धन्यवाद। बोल। ठीक है, पूरा विवरण मुझे एसएमएस कर। योर ऑनर आपने जो 15 मिनटों का अंतराल दिया था, उसमें यहां अदालत में एक ऐसी हवा चली जो इस केस का रुख बदल कर रख देगी। आपकी आज्ञा हो तो एक अंतिम बार मैं सरिता जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। सरिता जी, आप अपने नाम के आगे मिसेस लगाती हैं, मिसेस गुप्ता। इसका ये अर्थ हुआ कि आप विवाहित हैं, किंतु आपके गले में मंगलसूत्र नहीं है, आपकी मांग में सिंदूर नहीं है, ऐसा क्यों? जान सकता हूँ आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में? कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं आपसे कोई आपत्तिजनक प्रश्न तो पूछ नहीं रहा, केवल इतना जानना चाहता हूँ कि विवाहित होते हुए भी आपकी मांग सुनी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मेरे पति मर चुके हैं। आप बताएंगी कि उनका निधन कैसे हुआ? किसी बीमारी के कारण, कोई दुर्घटना थी? एक रोड एक्सीडेंट। किसी की गाड़ी के नीचे आ गए थे वो? हाँ, लेकिन आप ये सब जानकर क्या करेंगे? मेरे पति की मौत मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। क्षमा कीजिएगा, भावनाओं की आदर करता हूँ मैं, केवल इतना बता दीजिए कि वो गाड़ी किसकी थी। कोई बात आप नहीं बता पा रही हैं तो मैं बता देता हूँ। योर ऑनर, वो गाड़ी जिसके नीचे आकर इनके पतिदेव का निधन हुआ, वो गाड़ी सुरेश पाटिल जी की थी। योर ऑनर, दिसंबर 2010 को यह दुर्घटना घटी थी। योर ऑनर, सुरेश पाटिल जी के गाड़ी के नीचे आकर इनके पतिदेव का निधन हो गया। उस समय सुरेश पाटिल जी नशे की हालत में, इट वॉज अ केस ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग। एम आई राइट और एम आई राइट, मिसेस गुप्ता? और फिर हुआ ये कि पाटिल साहब के विरुद्ध कोई साक्षी या साक्ष्य न मिलने के कारण उन्हें अदालत ने छोटा सा दंड देकर छोड़ दिया। आप बदले की भावना में झुलसती रही, और उस दिन जब आपको अवसर मिला, आपने वो पेपर वेट उनके सर पर दे मारा और उनकी हत्या कर दी और अपना बदला पूरा किया। आपके पास कोई सबूत है कि मैंने सुरेश को मारा? है सबूत, हवाओं में उड़ कर आया है मेरे पास। योर ऑनर, ये अग्रवाल सेरामिक्स गोड़ बंदर रोड थाने का बिक्री बिल है। दो दिन पहले यहां से एक 15x10 का कांच बिक्री किया गया था सरिता जी। इसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि वो खिड़की का कांच जो टूटा था, वो कुछ समय पहले नहीं, योर ऑनर, दो दिन पहले ही ठीक किया गया था। जिसका अर्थ ये होता है कि आप ही ने उस कांच में से वो पेपर वेट दे मारा था सुरेश पाटिल जी के सर पर, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब आप पूछेंगी कि ये बिल मेरे पास कैसे आया? आपके पास ये बिल? जैसे कि मैंने कहा, एक हवा का झोंका
इसे मेरे पास ले आए। बचने का कोई रास्ता नहीं, क्या इकबाले जुर्म करना चाहेंगी आप? हाँ मैं ही हूँ, मैंने ही मारा सुरेश को। मेरी जिंदगी, मेरा सुहाग, मेरा कल, मेरा आज, सब कुछ छीन लिया था उस शराबी ने मुझसे। उस दिन जब मैं बाथरूम से निकलकर अपने बाल सुखाने बाहर आई, उसे देखते ही मेरे पति की मौत का वो दर्दनाक दृश्य मेरे आंखों के सामने घूमने लगा। मुझे पता था कि गेस्ट रूम की खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। मैंने हाथ में पेपर वेट उठाया और उस खिड़की के पास पहुंच गई। उसके बाद मैं दौड़कर अंदर गई। पुलिस के आने के पहले मैंने खिड़की का पर्दा लगा दिया ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े, और लाश के निकलने के फौरन बाद मैंने उसी दिन जाकर नया कांच फिट करवा दिया ताकि किसी को शक ना हो। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी ओनर, अगर उस दिन मैं सुरेश को नहीं मारती तो वो उन दोनों बच्चियों को मार देता। अपने पति की मौत का बदला लेने के साथ साथ मैंने अनुराधा और आचल की जान भी बचाई है। The defense, rest, sir. ये अदालत मिसेस सरिता गुप्ता को मिस्टर सुरेश पाटिल के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देते हुए तुरंत पुलिस की हिरासत में लेने का हुक्म देती है, और मिस अनुराधा पाटिल और आंचल पाटिल को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे बोरा साहब, कभी कभी अपने दिमाग के साथ साथ दिल की भी सुन लिया कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.